2014 के बाद हमारे पास जिस जिस राज्य में सरकार है हमने पोल प्रोमिसेस पूरे किए, केंद्र में हमारे पास जब सरकार ही नहीं है तो हम 72,000 रुपए कैसे दे दें न्याय योजना में, कहां से दे देंगे, हमारी क्या सरकार है क्या? छत्तीसगढ़ में हमने दिए 6,000 रुपए हम दे रहे हैं पर मंथ, हमारी सरकार है। राजस्थान में ऋण माफ कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में हम जो है किसान के धान को 2,500 रुपए क्विंटल ले रहे हैं जबकि केंद्र सरकार हमें पूल में पैसा नहीं दे रहा है। अब उसके बाद भी अगर आप भरोसे के संकट की बात करें तो निश्चित तौर पर ये जो काकस है मीडिया का, इस पीआर एजेंसी का, मीडिया मैनेजमेंट का, ये जो चुनाव कराने, एग्जाम कंप्लीट हो चुका है सर, अब तो रिजल्ट आ रहा है, अब छोड़ दीजिए मीडिया को टारगेट करना। सुरेंद्र राजपूत साहब, अब वोटिंग हो चुकी है, रिजल्ट की बारी है और यहाँ पर जो एग्जिट पोल के आंकड़े आए हैं उस पर डिबेट हो रही है, इसमें नाराजगी की कोई बात नहीं होनी चाहिए। जो आंकड़ा आया है सामने उस पर किसी ने आंकड़े को इधर उधर नहीं किया, जो आंकड़ा है एज इट इज हमने देश के सामने रखा है, इस पर नाराजगी की क्या बात है? मैं इस पर किसी के ऊपर बिल्कुल नाराज नहीं हूँ। मेरा जो प्रतिवेदन था और मेरी जो बात थी वो इस पर कांग्रेस भरोसे का प्रतीक नहीं है, ऐसा प्रदीप गुप्ता कह रहे थे। चलिए ठीक है, नहीं, नहीं, मेरा मुझे जनता कह रही, मैं नहीं कह रहा, वो कह रहे जनता कह रही है, वो नहीं कह रहा। आपने एक आंकड़ा लिया कि कांग्रेस पार्टी का वादा जो था रोजगार देने का हिमाचल प्रदेश के अंदर, उस पे जनता ने क्या कहा ये मैं बता रहा हूँ। जहां तक रह गई बात पाकिस्तान के दो टुकड़े और आजादी दिलाई, उसी के चलते कांग्रेस पार्टी ने देश के अंदर 60 साल तक राज किया। बिल्कुल, और यहाँ पर वो आंकड़ा था, देखिए एक बार फिर से, मैं कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाए इसलिए बताना जरूरी है। कांग्रेस द्वारा 1,00,000 रोजगार के वायदे के कारण क्या लोगों ने वोट किया? 1% लोग हामी भरते हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम दोबारा लागू करवाने के वायदे के कारण क्या वोट किया? 2% लोग ऐसा कहते हैं। और उसी में इस बात का भी जिक्र है कि सरकारी योजनाओं का जो लाभ मिला है उसके कारण क्या आपने वोट किया, तो 2% लोग ऐसे भी हैं। विनोद जी, लेकिन आपकी टिप्पणी, मेरा एक ऑब्जर्वेशन है, मेरा एक ऑब्जर्वेशन है, गुप्ता जी आप थोड़ा सा उसमें ऐड करिएगा। मुझे लगता है जो क्रेडिबिलिटी का सवाल है, ये शायद एक नेता जो स्टेट में जब होता है तो क्रेडिबिलिटी पार्टी की ज्यादा बनती है। कांग्रेस की एक समस्या ये रही हिमाचल में हो या गुजरात में कि जनता जो है भरोसा किस पर करे। प्रियंका जी गई वहां चुनाव में रही, लेकिन वो हिमाचल की नहीं है, वो पूरे देश का की राजनीति कर रही है। गुजरात में कोई ऐसा चेहरा नहीं है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के पास जैसा भी जो भी है नरेंद्र मोदी जी हैं और वहां एक चीफ मिनिस्टर है। तो शायद क्या गुप्ता जी, नेता ना होना भी एक कमी रहती है क्रेडिबिलिटी के मामले में कांग्रेस के लिए, किसी भी पार्टी ये सोचती है आज की डेट में कि एक कोई भी नेता डिक्लेयर किया जाए, सर्वे सर्वा डिक्लेयर किया जाए, तो हम अपना ठीकरा या अपना रोना वहां पर जाके फोड़ सकते हैं। जिम्मेदारी उसकी हो जाती है, एक जिम्मेदारी। दूसरा, हर एक पर्सनालिटी, हर एक बड़े नेता की या छोटे भी नेता की अपना खुद का एक वोट बैंक होता है। जैसे मैं यदि किसी बाजू में रहता हूँ किसी के घर के, वो मेरी पार्टी या का नहीं भी हो, जिसको मैं पसंद नहीं करता, लेकिन वो खड़ा हुआ है चूंकि बाजू का है तो मैं वोट करूंगा। बिल्कुल, जल्दी से क्लोजिंग कमेंट जफर इस्लाम साहब, मेरे पास वक्त इतने की इजाजत देता है, लेकिन जल्दी से दो लाइन में। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि देखिए, भरोसा तो एक छोटा सा वर्ड है, एक लफ्ज है, लेकिन उसको यकीन दिलाने के लिए अपने दामन साफ होने चाहिए। और इसी वजह से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जितने भी काम किए हैं वो इसलिए कि उनके दामन साफ है, लोगों को यकीन है कि वो और भी जितना किया है और भी आगे करेंगे, वो कांग्रेस यकीन नहीं दिला पाती। दूसरी बात, जो फर्क ये है कि हमारी सरकार जो है प्रदेश के बारे में सोचती है और कांग्रेस पार्टी परिवार के बारे में सोचती है। आप कहते हैं भाई, तो मैं मान लेता हूं कि आपने बहुत तो कुछ किया, लेकिन हकीकत यह है कि अगर सड़क पानी का वादा किया तो देने का काम की दोबारा से जरूरत नहीं है। हिमाचल प्रदेश के रिजल्ट आने में ज्यादा वक्त नहीं है, लेकिन क्या बड़ी और कड़ी कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी? गुजरात, आपको बता दें, गुजरात में जहां बीजेपी की सरकार बन रही है, वहीं हिमाचल को लेकर मामला फंसा हुआ है, क्योंकि पोल ऑफ पोल्स बता रहा है कि बीजेपी की बन सकती है, जबकि प्रदीप गुप्ता जी का ये कहना है कि कांग्रेस पार्टी बाजी मार ली जा सकती है।